नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 8 से लेकर 10 सितंबर तक दोस्तों बंद रहेंगी। राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसमें 8 से लेकर 10 सितंबर तक सरकारी छुट्टी की दोस्तों देने की सिफारिश की थी। नई दिल्ली जिले के बैंक, बाजार, दुकानें भी 3 दिन बंद रहेंगी। केजरीवाल की सहमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को फाइनल मुहर के लिए अब LG के पास भेजा जाएगा, यानी कि दिल्ली में लगने वाला है 3 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन। पूरी दिल्ली बंद, 8 से लेकर 10 सितंबर तक सब कुछ बंद रहने वाला है। नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी बैंक, फाइनेंशियल संस्थान सहित मार्केट और बाजार 8 से 10 सितंबर तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के नेता भारत आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 समिट में शामिल होने भारत आ रहे हैं। यह पहली बार है जब बाइडेन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। बाइडेन 7 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मधुप तिवारी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 8 से 10 सितंबर तक छुट्टी करने का सुझाव दिया था, जिसे केजरीवाल ने मान लिया है। दिल्ली और NCR में 9 और 10 सितंबर के लिए कुल 35 होटल अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों और मेहमानों के लिए बुक किए गए हैं। ये होटल नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, एरो सिटी में बुक किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ताजमहल, ताज पैलेस, मौर्या, सेरेटन, ली मेरिडियन, सांग्रीला, इंपीरियल, ओबेरॉय और लीला जैसे 5 सितारा होटल दुनिया भर के नेताओं के लिए बुक कर दिए हैं। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से। G20 समिट के लिए दिल्ली 3 दिन तक बंद रहने वाली है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग